अबोहर गांव के अमरपुरा के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज बवाल खड़ा हो गया जब गांव की पंचायत स्कूल प्रिंसिपल के पास गांव की ही एक छात्रा की लिखित शिकायत के बाद मामले की जांच करने पहुंची, लेकिन स्कूल प्रिंसिपल के बुरे व्यवहार के चलते मामला गर्मा गया और गांव के लोगों ने उसे स्कूल के कमरे में बंद कर प्रिंसिपल की गाड़ी तोड़ डाली और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि मौके पर पहुंचे भारी पुलिस बल भी गांव के लोगों को मामला है। प्रिंसिपल जो साढ़े इतने 6 महीना पहला आए है, इन्होंने कुड़ी है प्लस टू की छात्रा है, उन्होंने रात को फोन किया तो आपका नाम भी गलत दसिया, पर कुड़ी ने पछाण लिया भी साढ़े प्रिंसिपल बोल रहे हैं। उन्हें कहा भी सर तुहाडे लिए चंगी गल नहीं, मैं तुहाडी बच्ची हाँ बेटी समान हाँ, तो उन्हें की फोन कटता ब्लैकलिस्ट से ना पाता। पर उस तो बाद मास्टर ने प्रिंसिपल ने उन्होंने 12 बार ही मिसकल कीतियाँ ब्लैकलिस्ट आई, पर उन्हें सवेरे आपके माँ प्यो ने दसिया, फिर आके स्कूल इंचार्ज क्लासरूम इंचार्ज उन्होंने दसिया भी मेरे ना सर ने इस तरह व्यवहार किया। तो अगले दिन पेपर से उस गुड़िया के, उन्हें कहा भी तू पेपर दे बेटा ये गल बाद करा, तो परिवार को भी समझाया भी बाद करो। तो थोड़े दिन बाद उन्होंने किसी तरह रिश्तेदारी से मर्डर होया, वो इस पर ध्यान रखिए। अज पंचायत को मिले लिखती रूप से सू शिकायत दी भी प्रिंसीपल जोड़ा है साढ़े नए व्यवहार किया इस तरह का किया, पूरी पंचायत सरपंच साहब नाल लेके आए, उन्होंने कहा भी जे इस तरह की गल है तो वह सगों प्रिंसीपल ने साढ़े नाल व्यवहार चंगा नहीं किया, बाहर बैठे रहे वो अंदर बैठा रहा, मुड़ के पूरा स्टाफ आके उन्होंने कहा भी पंचायत आई है मिल पाई की गल है, कहना जी मैं करा तोड़भन भी की गड्डिया नहीं। मैं दस रहा सर प्रिंसिपल ने बजन जी कोशिश की स्कूल से, तो उन्होंने लगे भी बज रहे हैं तो करके पब्लिक इतने खड़ी सी उस स्कूल की, उन्होंने गड्डी तोड़ भन की है, असं तहसीलदार साहब के नाल बैठे से अंदर साड़ी ये भी सस्पेंड किया जाए, ये कानूनी कार्रवाई की जाए, ये पंचायत की पूरे पंचायत की मांग है। ये लड़की इस स्कूल की विद्यार्थन है, उस वालों एक शिकायत लिखित दे विच जो कि पंचायत ने दिती है, उस मुताबक लड़की वालों यह शिकायत सी कि जो प्रिंसीपल साहब ने उन्होंने उन्होंने मतलब कि रात को फोन करके परेशान करिया, तो इस संबंधी जरा पंचायत वालों एक लिखित दरखास्त दिती गई है जिस उपर कार्रवाई की गई है, पुलिस वालों इसकी पड़ताल की जा रही है, तो फॉर द टाइमिंग इन्हों की जी ट्रांसफर है वो डीओ वालों की गई है, यह सारी मामले की पड़ताल करके जो बनती कार्रवाई की गई।